الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله مولانا العظيم قابل احترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں इस दुनिया में जो इंसान भी शरीफ होता है और जिसकी तबीयत में शराफत होती है, पाकीजगी होती है, उसके दिल की चाहत होती है कि मेरी जिंदगी भी सही हो और माशरा भी सही हो। और क्योंकि हमारा मजहब मजहबे इस्लाम इसने इंसानों की नफसियात का और इंसानों की तबीयत का बहुत लिहाज किया है। इस बिना पर इस्लाम के अहकाम भी ऐसे हैं जो इंसानों की शराफत का जो तकाजा था इस्लाम ने ऐसी चीजों का हुक्म दिया। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस माशरे में रहते हो, वो माशरा गंदगी से पाक हो जाए, बेहयाइयों से पाक हो जाए, जिना से पाक हो जाए, बेशर्मी के कामों से पाक हो जाए। इस्लाम का ये बहुत बड़ी इस्लाम की तालीम। इस्लाम नहीं चाहता कि माशरे के अंदर बेहयाई के काम हो रहे हो। इस्लाम नहीं चाहता कि माशरा गंदगियों में मुलव्विस हो जाए, जिना के अंदर मुलव्विस हो जाए। इस्लाम ने बहुत रोका है, फरमाया वला तक़रबु ज़िना। अरे मुसलमानों, जिना का नाम क्या लेते हो और जिना की बात क्या करते हो, जिना के करीब भी मत जाओ। इस्लाम की एक बहुत बड़ी प्यारी तालीम है कि जो चीज गंदी होती है, जो चीज खराब और माशरे को बर्बाद करने वाली होती है, माशरे के अंदर अल्लाह के अजाब को लाने वाली होती है, इस्लाम उस चीज से भी रोकता है और जो असबाब उस चीज तक पहुंचाते हैं इस्लाम उन असबाब को भी रोकता है। असबाब के ऊपर भी रोक लगाता है। भाई शराब पीना हराम है, सिर्फ इतना नहीं कहा कि शराब मत पीना, तुम शराब बेच सकते हो, बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ पीना मत, ऐसा नहीं। इस्लाम ने शराब की हुर्मत को बयान फरमाया, बहुत खराब चीज है, उमुल खबाइथ कहा गया शराब को। तो शराब तक पहुंचाने वाली जितने भी रास्ते थे और असबाब थे उस पर रोक लगा दी। भाई शराब बना सकते हो, नहीं बना सकते, हराम। उसको बेचना भी हराम, ले जाना भी हराम, उसको निचोड़ना भी हराम, सब कुछ हराम। क्यों भाई? इन चीजों से बचोगे तो शराब से बच जाओ। बुत परस्ती को हराम कहा,
इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, अपने हाथ से मूर्ति बनाकर उसकी पूजा हराम है, इस्लाम से निकल जाता है इंसान। तो जो असबाब बुत परस्ती तक पहुंचाते थे उस पर भी रोक लगाते। भाई बुत परस्ती तक पहुंचाने वाला सबब सबसे बड़ा क्या है? तस्वीर, फोटो। इस्लाम ने रोक लगा दी, तुम तस्वीर नहीं खिंचवा सकते हो। इन्ना अशद्द अन्नास यौमल क़ियामति अल-मुसव्विरून, कयामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब जो होगा तस्वीर खिंचवाने वालों को। आज हमारे यहां शादियों में तो इस गुनाह को बालाए ताक रख दिया जाता है। शादी के मौके पर सब कुछ हलाल हो जाता है, तस्वीर तो इस तरह खिंचवाई जाती है गोया कि उस पर कोई फजीलत है। और नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मर्द अपनी तो तस्वीर खिंचवाता है, साथ में गैर महरम लड़कियों के साथ भी अपनी तस्वीर को खिंचवाता है। यानी सितम वाला है सितम, एक तो तस्वीर खिंचवाने का गुनाह और दूसरा गैर महरम के साथ फोटो खिंचवाने का गुनाह, कितना सख्त गुनाह। तो मैं कह रहा था कि इस्लाम जिस चीज से रोकता है उसके असबाब को भी रोकता है। जिना से इस्लाम ने रोका, अपनी ख्वाहिशात का गलत इस्तेमाल मत करो। जिना बहुत घनाउना जुर्म है और जिना एक ऐसा गुनाह है जो मुआशरे की और सोसाइटी की बरकत को खत्म कर देता है। जिना एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह के अजाब को दावत देता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियां बयान फरमाई, क्या है? फरमाया कयामत कब आएगी? फरमाया मल मसूल अनहा बिना अलम मिन السائل, जिब्राइल अमीन आए थे, पूछा था कयामत कब आएगी, क्या कयामत कब आएगी वो तो पता नहीं, वमा अमारातुहा, कयामत की निशानी क्या है? उसमें फरमाया गया है कयामत के निशानियों में कि भाई क्या है, जिना ज्यादा हो जाए। आज हालात से हम दो चार हैं, इतने सख्त हालात चल रहे, इसके हकीकी असबाब की तरफ लोग गौर नहीं करते। क्यों आई ये बला, क्यों आई ये वबा? सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने अल्लाह के अहकामात को ठुकरा है। तो जिना से रोका, तो जिना के करीब पहुंचाने वाले जितने रास्ते थे इस्लाम ने उससे भी रोक दिया। सबसे पहला रास्ता कौन सा है जिना तक पहुंचाने वाला? आंखों का गलत इस्तेमाल, सबसे पहली सीढ़ी है बदनजरी। शुरुआत कहां से होती है? आंखों से। पहले आंख देखती है, नाजायज जगह पर चलती है, फिर तस्वीर का एहसास दिलों में पैदा होता है और वो शैतान वहां से चक्कर चलाता है और चलाता चलाता एंड तक पहुंचाता है। तो इस्लाम ने नजर पर पाबंदी लगा दी। कुरान में फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, पहला ही हुक्म दे दिया, जिना से बचना चाहते होने, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत चाहते होने, तो पहली जो सीढ़ी है ने उस जीने पर कदम ही मत रखो कि तुम ऊपर तक जा सको। क्या है पहला जीना? फरमाया निगाहों का गलत इस्तेमाल है। फरमाया रास्ता चलते चलते निगाहों का गलत इस्तेमाल न किया करो, अपनी निगाहों को नीचे रखा करो। तुम्हारी निगाह किसी गैर महरम पर पड़ेगी नहीं तो तुम्हारे दिल में जिना का तकाजा भी पैदा नहीं। बहुत बुरा गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह है बदनजरी जो है ना, नजरों का गलत इस्तेमाल है। ये देखने में बहुत छोटा है लेकिन ये इंसान को बहुत दूर तक पहुंचा देता है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन-नज़रु सहमुन मसमूमुन मिन सिहाम इब्लीस। यह है ना बदनजरी, ये निगाह, ये शैतान का तीर है।
शैतान उससे हमला करता है और तीर कैसा है, साहमुन मसमूमुन, जहरीला तीर है। जहरीला तीर, पहले जमाने में तीर से हमले होते थे, जहरीला तीर जो होता है ना, एक तो है तीर लगना, तो तीर लगने से इंसान को बदन में चोट आ जावे, जो पहले जमाने में चलता था, खून निकलेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन बाज लोग तीर को जहर में डुबाकर मारते थे कि जिसको लगे उसके बदन में जहर भी सरायत कर जाए, अगर तीर से न मरेगा तो जहर से मर जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, नजर ये इबलीस का जहरीला तीर है कि जिस इंसान ने अपनी नजर का गलत इस्तेमाल किया, ये जहर उसके ईमान को खत्म करके रख दे। आज बहुत आम हो गया नजरों का गलत इस्तेमाल, गोया गुना ही नहीं रहा। गैर महरम औरत पर एक मुसलमान के लिए अपनी निगाहों का डालना जायज नहीं। आज बेतहाशा बातें की जाती है शादियों के मौके पर, आजकल तो व्हाट्सएप चल रहा है, व्हाट्सएप से चैटिंग चल रहा है, सब कुछ हराम। लोग रमजान के महीने में बातें करते हैं रोजे की हालत में। हमारा नौजवान माशरा इतना खतरनाक बिगड़ चुका है, ये फूड पॉइजन है, पॉइजन की तरह आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। हम समझते कुछ भी नहीं करता हूं मौलाना, सिर्फ बात करता हूं। और बात कैसी करता है, दीनी बात करता है, दीनी बात। रोजे का सवाब बतलाता हूं, तरावी का सवाब मेरे मजलिस में सुना वो बताता हूं। अरे अल्लाह के बंदे, तू क्यों बताता है, तेरे घर की किसी मस्तूरात को क्यों वो बताए। ये शैतान जो है ना, दीन के रास्ते से गुनाह में ले जाता है। याद रखना है, शैतान के बहुत बड़े बड़े तीर है। मन तरकहा मिन मखाफती अबदलतुहु ईमानन यजिदु हलावतहु फी कल्बिही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी रास्ता चलते चलते गैर महरम औरत सामने आ गई और दिल ने चाहा कि उसे देख लूं, लेकिन अपनी नजरों को झुका लिया। क्यों झुकाया, मिन मखाफती, देखने के सारे रास्ते मौजूद है, कोई नहीं है, अल्लाह का डर। किसका डर, अल्लाह का डर। आज ये डर निकल चुका, आज हमारे दिलों में डर किसका है, इंसानों का नहीं, वो कैमरे लगे होंगे ना, कैमरे का डर। कोई जगह बैठा हूं मैं तो कोई इंसान नहीं है, मैं अपनी नजर को गलत इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन नजर पड़ी कैमरे में, अल्लाह पर कोई देखेगा तो क्या कहेगा कैमरे। तो डर अल्लाह का नहीं रहा, डर किसका रहा। ऐसा डर अल्लाह का पैदा करो कि अल्लाह मेरा देख रहा है, कोई नहीं है, मैं चाहूं तो देख सकता हूं, मोबाइल मेरे हाथ में है, रात का वक्त है, सब सो चुके हैं या तनहा बैठा हुआ है, मोबाइल में देखना चाहूं तो गलत तस्वीरें देख सकता हूं, लेकिन क्या है, डर अल्लाह का है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है कि मैं अपनी नजरों को गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ देता है ना, अल्लाह उसको ऐसी ईमान की हलावत नसीब फरमाते हैं जो आदमी उसके दिल में उसकी लज्जत को महसूस करता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि इबादत का नूर बदनजरी से खत्म हो जाते हैं। तिलावत करो, रोजे रखो, और क्या है, नवाफिल पढ़ी, तस्बीहात पढ़ी, एक किस्म का नूर आया है दिलों में, नूर पैदा होता है, हमें महसूस नहीं होता ये नूर है जो अल्लाह पाक हमारे दिल में अता फरमाते हैं। महीना भर तिलावत और क्या है इबादत कर कर के नूर हासिल किया, ईद का दिन आया और कहां चले गए, किसी क्या है पिकनिक की जगह पर, और क्या है किसी नदी के किसी दरिया के किनारे पर चले गए और वहां नजरों का गलत इस्तेमाल कर लिया, मिनटों के अंदर पूरे महीने का नूर खत्म हो गया है, फिर जिंदगी वैसी के वैसी हो जाती। अपने इबादत के नूर की हिफाजत करो।
और ये बीमारी ऐसी है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये बीमारी जवानों में नहीं तो बूढ़ों में भी आती है। जिना जो होता है ना, जिना वो तो जवान आदमी करता है, भाई बूढ़ा आदमी क्या जिना करेंगे। हजरत थानवी फरमाते हैं जिसके पैर कब्र में लटक गए होने वो जिना नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी नजरों को गलत इस्तेमाल करके फायदा उठाते। हजरत थानवी ने अपने जमाने में फरमाया, आज तो हम देख रहे हैं बहुत बुरी, बहुत क्या है, बुरा गुनाह है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के बदन का हर उज्व जिना करता है, और अल आइनान तज़नियान, दोनों आंखें भी इंसान की जिना करती है। भाई आंखें जिना कैसे करती है? जिना हुमा अन्नज़र, आंखों का जिना यह है कि नजरों का गलत इस्तेमाल किया जाए। हमारे असलाफ इतना बचते थे, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे चचा जान हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब सहारनपुर में पढ़ाते थे, हजरत शेख भी वहां पढ़ाते थे, शुरू का जमाना था, कहा कि वहां जामे मस्जिद में एक इमाम साहब थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। वो इमाम साहब कभी जाते थे तो हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को नमाज सुपुर्द करके जाते थे, तो हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाने के लिए जाते थे। हजरत शेख फरमाते मैं छोटा था तो मुझे साथ ले जाते थे। फरमाते मैंने देखा जब घर से निकलते थे तो घर से निकलने से लेकर मस्जिद तक जाते वक्त और नमाज से फारिग हुए तो मस्जिद से लेकर घर तक, हजरत फरमाते मैंने अपनी आंखों से देखा हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की नजरें नीचे रहती, नजरें नीची करके घर से निकलते थे मस्जिद पहुंचते थे, मस्जिद से निकलते थे नजरें नीची करके यहाँ आते। हालांकि उस जमाने में आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात, 80-90 साल पहले की बात, इतना क्या है इतनी बेहयाई का माहौल नहीं था, फिर भी यह एहतियात क्यों? इस बिना पर के निगाहों को अगर पाकीजा रखना चाहते हो तो नीचे ही। शैतान ने क्या कहा अल्लाह पाक से कि मैं इंसानों को बहकाने के लिए आऊंगा, कहां से आऊंगा? दाएं से भी। लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम वमिन खल्फिहिम, सामने से भी आऊंगा पीछे से भी आऊंगा। वअन अयमानिहिम वअन शमाइलिहिम, दाएं से भी आऊंगा बाएं से भी आऊंगा, चारों तरफ से आऊंगा। उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन ने लिखा है, दो जगह दो जिहत छोड़ दी शैतान ने, कौन सी? ऊपर और नीचे। अब या तो ऊपर देखकर चलो या नीचे देखकर चलो, लेकिन ऊपर देखकर चलोगे तो लोग कहेंगे कि भाई क्या है, थोड़ा इसके दिमाग में फुतूर आ गया है, आसमान को देखकर चलता है, कुछ टकरा जाएगा किसी से। इसलिए अब एक ही जिहत बची, कौन सी? कौन सी? नीचे देखकर चला करो, इस तरीके से चला करो कि अपनी हिफाजत भी रहे चलने में और अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल ना। अपने आप को बचाओ वरना इसका वबाल इतना खतरनाक है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, मौत के मुंह में चला जाता है, जिंदगी भर की इबादत उसकी जाये और बर्बाद हो जाती है बदनजरी की वजह से। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने किसी जगह वाकिया लिखा है, फरमाते एक शख्स था और क्या है नेक साले, कहा उसके इंतकाल का वक्त हुआ तो उसकी जबान पर कलिमा नहीं आ रहा था, कलिमा नहीं आ रहा था। तो किसी ने पूछा, आलिम दीन के पास गए, उसको बुलाया, उनसे पूछा भाई क्यों कलिमा जबान पर नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? कहा मैंने अपनी जिंदगी में दुकान थी, एक दुकान के एक मर्तबा दुकान में एक नौजवान लड़की आई थी तो मैंने उसको घूर घूर के देखा था, इस वक्त उस लड़की की तस्वीर मेरे जहनों में आ रही है और जबान पर कलिमा नहीं आ रहा है। फरमाए ये बदनजरी का गुनाह जो किया था उस वक्त, लेकिन वो कब आड़े आ रहा है? मौत के वक्त कलिमा पढ़ने से जबान पर आड़े आ रहा है। मामूली गुनाह नहीं।
शेखुल हदीस वहां सकरिया साहब फरमाते हैं कि जो मुरीद भी फरमाया जो मेरा मुरीद जब मुझे खत लिखकर कहता है हजरत इतना जिक्र करता हूँ इतनी तिलावत करता हूँ इतना सब कुछ करता हूँ लेकिन नूरानियत नहीं आती, हजरत शेख फरमाते हैं मैं महसूस कर लेता हूँ कि भाई इसको बदनजरी का गुनाह होगा, फरमाया मैं लिख देता हूँ बदनजरी के गुनाह में मुलव्विस हो, इसे छोड़ दो वरना मौत तक तुम जिक्र करते रहो कि तुम्हारे सीने में नूर नहीं आए। आंखों का जिना है, इसलिए उलमा जानते हैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि अल्लाह पाक ने आपको कश्फ फरमाया, कश्फ का इल्म अता फरमाया। तो माए मुस्तमल जो होता है ना वुजू करके जो पानी गिरता है ना उसको माए मुस्तमल कहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल फिकह की किताबों में है, इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बास मरतबा उस माए मुस्तमल को हराम कहा, हराम बाज मर्तबा कहा मकरूह। क्यों? तो उसके बारे में उलमा ने लिखा है कि अल्लाह पाक ने कश्फ का इल्म अता फरमाया था जब इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में वुजू करते थे, आपके सामने कोई अल्लाह का बंदा वुजू करता था उसके चेहरे से क्या है पानी टपकता था, वुजू का पानी गिरता था, इमाम साहब क्या है इमाम साहब को कश्फ का इल्म था तो वो देखते थे कि पानी के साथ आंखों का जिना भी जा रहा है, बदनजरी भी जा रही है, फुलाना गुनाह भी जा रहा है। फरमाया जब देखते थे कि ओ वो बदनजरी का गुनाह के साथ पानी जा रहा है, गंदा नापाक पानी है, तो आपसे पूछा जाता था भाई कैसा है माए मुस्तमल, फरमाते थे नापाक। बुजुर्गाने दीन महसूस कर लेते आंखों के जिना को। अल्लामा इब्ने कय्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह ने एक वाकिया लिखा है, बहुत इबरतनाक वाकिया है जो इंसान को ये बदनजरी कहां से कहां पहुंचा देती है। फरमाए एक मस्जिद के मुअज्जिन साहब थे, मिस्र का वाकिया लिखा है, और उस जमाने में जो अजान होती थी माइक में तो होती नहीं थी, ऊपर जाकर अजान होती थी टेरेस पर ताकि बस्ती में आवाज पहुंच जाए। इब्ने जौज़ी फरमाते हैं उनका मामूल था कि रोजाना ऊपर जाते थे अजान देते थे। एक मर्तबा मस्जिद के बाजू में या करीब में एक मकान था, वहां कोई नई फैमिली रहने आई होगी, तो एक मर्तबा ये अजान देने के लिए ऊपर चढ़े तो उस घराने की एक लड़की भी ऊपर थी। अब इनकी नजर उस पर पड़ गई, पहला तीर शैतान ने चला दिया। अब वो लड़की हसीनो जमील होगी तो इस मुअज्जिन साहब के दिल में उसकी मोहब्बत समा गई। अब दूसरे दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन, पांचवे दिन, कुछ कुछ दिनों के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता मामला शैतान ने बढ़ाया कि बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू, और बातचीत भी कैसे शुरू होती है, अच्छे अंदाज में, कहां से आप आते, कहां पहले रहते थे, अच्छी खैर खाना अंदाज में। अब बातचीत शुरू होते होते मामला आगे बढ़ा, अब तो शैतान ने तो अपना काम कर लिया, उस मुअज्जिन के दिल में मोहब्बत बिठा दी। अब होते होते जब उसका दिल उसकी मोहब्बत से लबरेज हो गया तो मामला कहां तक पहुंचा कि भाई शादी कर ली जाए, शादी कर ली जाए। अब मुअज्जिन साहब ने एक मरतबा उस लड़की के वालिद साहब की मुलाकात की और कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, और क्या है कि हम लोग कितने मरतबा बहुत लंबे जमाने से बातचीत कर रहे हैं, मैंने उसको देख लिया, वो मुझे पहचान गई, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, क्या ख्याल है उसका आपका। तो बाप ने कहा देखो भाई आप तो मुसलमान होने, मैं तो ईसाई हूँ क्रिश्चन हूँ, हम दोनों के अंदर शादी नहीं हो सकती है। एक काम करो, मेरी बेटी तो मुसलमान नहीं होगी, अगर आपको शादी करनी है तो आप ईसाईयत इख्तियार कर लो, इस्लाम छोड़ दो तो मैं राजी हूं।
अब देखो वो मुअज्जिन था, मस्जिद के माहौल में था, लेकिन बात क्या हुई कि वो बदनजरी का असर, वो गुनाह का असर कि जब शैतान किसी इंसान पर हावी हो जाता है उसे किसी चीज का एहसास नहीं रहता। इस मुअज्जिन साहब को अपने ईमान का एहसास नहीं रहा, अपनी मस्जिद की खिदमत का एहसास नहीं रहा। इसने उसके बाप के सामने कहा कि मेरे दिल में इतनी मोहब्बत है तुम्हारी बेटी की और इस लड़की की, नऊज़ु बिल्लाह में ईमान छोड़ने तैयार हूँ, इस लड़की को छोड़ने तैयार। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ऐसे हालात में फंसने से बचाए। छोड़ दिया ईमान उसे। उसके बाप ने कहा ठीक है आज शाम के वक्त ऊपर आइए, हम बैठकर मशवरा कर लेते हैं, शाम को मैं फारिग होकर आता हूँ, फिर अपने मशवरा करते बातचीत करते हैं। शाम हुई, रात हुई, वो जब जाने का वक्त आया तो ऊपर उसका क्या है मकान था उस आदमी का, तो वो मौसिन साहब बेचारे सीढ़ी पर से चढ़े, चढ़ते चढ़ते चढ़ रहे थे, पैर फिसल गया और वहां से गिर गए। और जैसे ही गिरे तो वहीं पर बैठे बैठे उस मुअज्जिन साहब का इंतकाल हो गया। बोलो किस हाल में दुनिया से गए? कुफ्र के हाल में। किस गुनाह की बिना पर? बदनजरी। इतना खतरनाक गुनाह। आज हमारा माशरा इस बदनजरी से बिल्कुल क्या है उन भरा हुआ है, इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। शादी के मौके पर हमारे जवानों से कहो कि भाई मर्दों में खाना खिलाना है तो कोई तैयार नहीं होगा, और यूं कहो कि मस्तूरात में औरतों में खाना खिलाना है तो 5 की बजाय 15 तैयार हो जाए। क्यों? खिदमत नहीं है। खिदमत नहीं, अल्लाह माफ करे, बुरा लगे माफ करना, मकसूद दूसरा होता है। अपनी जवानी की हिफाजत करो, अपने नजरों की हिफाजत करो। इफ्फू तइफ्फू निसाउकुम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा कायदा बयान फरमा दिया। फरमाते हमारे हजरत फरमाते हैं कि देखो हुजूर ने कायदा बयान फरमा दिया, तुम पाकीजा जिंदगी गुजारो, तुम्हारी आने वाली औलाद भी पाकीजा जिंदगी गुजारेगी। हमारे हजरत फरमाते हैं ये कायदे कुल्लिया है, अल्लाह के यहाँ किसी के नसब मसब की कुछ चलती नहीं, अल्लाह ने कायदा बयान फरमा दिया। अगर हम चाहते हैं हमारा बेटा अच्छा बने, अगर हम चाहते हैं हमारा बेटा बुरा न बने, तो हमें भी अपनी निगाहों का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें भी अपनी जिंदगी को बचाना पड़ेगा, अपने आप को सीधे राह पर चलाना पड़ेगा। वरना ई खयालस तो महालस तो जुनू के हम बदनजरी करते रहे, हम जो चाहे करते रहे, और मेरे दिल की तमन्ना हो कि मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा बन जाएगा, मदरसे में जाता है, स्कूल में जाता है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, मैं चाहे कुछ भी करता रहूं मेरा बेटा तो नेक बन जाएगा, तो ये ख्याल है, ये महाल है, मुश्किल है। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायदा बयान फरमा दिया, इफ्फू तइफ्फू निसाउकुम, तुम क्या है पाक दामन रहो, तुम्हारी घर की औरतें भी पाक दामन रहे। अगर हमने अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल किया, हमारे घर की औरतें भी गलत इस्तेमाल करेंगी। एक वाक्या याद आया, फिर अपनी बात खत्म करता हूं। हजरत मौलाना दुल्फकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने वाक्या बयान फरमाया। एक शख्स था, उसका चूड़ी का कारोबार था, औरतों के लाइन की चीजें चूड़ी वगैरह जो भी होता है, बड़ा नेक इंसान था, वो भी अच्छा खासा इंसान था, उसकी बीवी भी बड़ी अच्छी थी, नेक साले। एक मर्तबा शाम के वक्त वो घर पर आया तो उसकी बीवी फूट फूट कर रो रही थी, बहुत रो रही थी उसकी बीवी। तो इस शख्स को ताज्जुब हुआ कि भाई क्या हुआ तुझे, फूट फूट कर रो रही है? का हमारे घर का सत्यानाश हो गया। तो क्या हुआ मामला? का हमारे घर का जो खादिम है ने, जिसको हमने बचपन से पाला है, बचपन से हमारे यहां रहता है, काम काज करता है, मुझे कभी इसके ऊपर बेएतमादी नहीं हुई, अपने घर का काम काज करता है, सब कुछ करता है, लेकिन आज दोपहर के वक्त
एक चीज मैंने उसके पास मंगवाई, वो मुझे देने के लिए आया, तो देते देते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ही लगा कि ये शहवत से हाथ पकड़ रहा है, तो मैंने छुड़ा तो दिया, वो भी डर के मारे चला गया। लेकिन मुझे डर ये हुआ कि या अल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ, आज 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ, आज उसने क्यों मेरे साथ ऐसा कर लिया। अब सुनो आगे की बात, जब ये औरत की जबान से उस शौहर ने बात सुनी ने, तो शौहर रोने लगा, शौहर रोने लगा और कहा कि मुझे माफ कर दे, अपनी बीवी से कहता है। कहा क्यों? कहा कसूर तेरा नहीं है, कसूर तो मेरा है। कहा आपका तो क्या कसूर है? कहा कि आज दोपहर के वक्त में एक लड़की मेरी दुकान पर आई और क्या है, उसने मुझसे कुछ चूड़ियां खरीदी, बड़ी अच्छी लगी मुझे, तो मैंने चूड़ियां पहनाते पहनाते मैंने भी उसका हाथ पकड़ लिया था शहवत से। कहा कि तिल का बितिल का, मैंने किसी पराई औरत का हाथ पकड़ा शहवत की निगाह से, अल्लाह ने उसका बदला मेरे घर में दे दिया कि किसी और लड़के ने, किसी और मर्द ने मेरी बीवी का हाथ पकड़ लिया। जिना है ना, इमाम शाफी फरमाते हैं जिना जो है ना कर्ज है, तुम करोगे तुम्हारी घर के औरतों को उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। अपने आप को बचाओ, अपने माशरे पर रहम करो, अपनी औलाद को बचाओ। ये जिना का गुनाह आम होता जा रहा है, आम होता जा रहा है, मुसलमान भी मुलविस होता जा रहा है और असबाब जिना को करने के रास्ते इतने सहूलत से मुहैया हो गए कि इंसान के लिए कुछ मुश्किल नहीं रहा। लेकिन अल्लाह का खौफ पैदा करो, अपनी औलाद को सही बनाना चाहते हो, अपनी औलाद को नेक बनाना चाहते हो, अपने आप को रोको इस रास्ते से, अपने आप को बचाओ, वरना माशरा इतना घनावना जुर्म में चला जाएगा, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे सामने जिना करने वाली बनेगी। आज देखो यूरोपीय ममालिक में क्या होता है, अल्लाह ने हमारे मुआशरे को बचाया है, अभी कुछ हद तक बचाया है। वहां के क्या है, उलमा ने फरमाया जो वहां जाते रहते वहां जिना इतना आम है कि माँ बाप के सामने अपनी बेटी अपने पराई लड़की के साथ ऊपर चलती। हमारे हजरत कारी रशीद साहब अजमेरी दामत बरकातुहु ने हमें एक वाक्या सुनाया था इस बात पर कि मैं पेरिस या किसी जगह जापान किसी का बैठा हुआ था, एक बाप के साथ एक मकान पर बैठा हुआ था, तो एक लड़की आई और क्या है, एक लड़के का हाथ पकड़ते पकड़ते ऊपर गई वो। तो कारी साहब फरमाते मैं समझा कि कोई भाई बहन होंगे, मैंने उनसे पूछा कि कौन है, कहा वो बेटी मेरी है। कहा शादी हो चुकी है? कहा शादी तो नहीं हो चुकी है, बस ये अपने क्या है आशिक के साथ रोजाना ऐसा आती है, रहती है, चली जाती है। कहा आप कुछ कह नहीं सकते हो? कहा कारी साहब और मौलाना मैं कैसे कह सकता हूँ, ये मुल्क के कायदे ऐसे है, अगर मैंने इसको कुछ कहा और इसने मेरे ऊपर केस कर दिया तो हम दोनों माँ बाप जेल में चले जाए, हम कुछ नहीं कह सकते, बस रोता रहता हूँ। बाप कहने लगा खून के आंसू क्या है, मेरे खून के आंसू निकलते हैं और रोता रहता हूँ कि काश ऐसी औलाद मुझे न मिलती तो मेरी जिंदगी अजीबन न बनती। अल्लाह हमारे औलाद की हिफाजत फरमाए, माशरे की हिफाजत फरमाए, बद नजरी से हम सबको अल्लाह पाक बचाए और इस गुनाह से और इस गुनाह के वबाल से अल्लाह पाक हम सब की पूरे पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन। درود شریف پڑھنے کا مطلب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بڑے گنہگار ہے خطا کار ہے سیاہ کار ہے مولا کریم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک पूरा बदन गुनाहों में डूबा हुआ है। मेरे मालिक गुनाहों के पुतले हैं, बदन का रुआ रुआ गुनहगार है। ए अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे।
कहीं के नहीं रहेंगे। मौला करीम हमें माफ फरमा दे, मौला माफ फरमा दे, मौला माफ फरमा दे। मौला हमारे गुनाहों की वजह से ये वबा आई है, ये बला आई है। अल्लाह हम किसी को कुसूरवार नहीं कहते, हम तो अपने आप को ही कुसूरवार कहते हैं। हम ही है, हमारे गुनाहों ने तेरे अजाब को दावत दी, हमारे गुनाहों ने तेरे गजब को दावत दी। अल्लाह तेरा गजब भड़का हुआ है, बहुत ही डर लग रहा है। अरे मालिक तेरे गजब का मुकाबला हम कैसे कर सकते, तेरे अजाब का मुकाबला हम कैसे कर सकते। अरे मालिक तुझी से पनाह मांगते हैं, जो भूले हो गई माफी मांगते हैं, जो गुनाह हो गए माफी मांगते हैं। मेरे मालिक तू तो सौ माओं से ज्यादा मेहरबान है। ए रहम करने वाले मौला, ए करम करने वाले मौला, हम सब के हाल पर रहम फरमा दे, इंसानियत के हाल पर रहम फरमा दे। मेरे मालिक इस वबा को उठा ले, इस बला को उठा ले। मेरे मालिक बहुत फैलती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी लपेट में ज्यादा से ज्यादा लोग आगे जा रहे हैं। मेरे मालिक तेरा शुक्र है, तूने हमें बचाया है, हम कोई दूध के धूले नहीं है, आपने अपने फजल से बचाया है। अब तक तो बचाया, आइंदा भी हमारी हमारी औलाद की पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन जो लोग बिचारे इसमें मुब्तला है, सबको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। जिसको जिसकी जरूरत हो दवा की, ऑक्सीजन की, जिसकी भी जरूरत हो, अपने खजाने गैब से मुहैया फरमा। ऐ अल्लाह अपने हाल पर, ऐ अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। मेरे मौला तूने अपने फजल से मस्जिदों को आबाद रखा था, ऐ अल्लाह आधा रमजान तो हो गया, बड़ी आफियत के साथ गुजर गया, कहीं ऐसा ना हो हमारी कोताहियों की वजह से ये खुली मस्जिदें फिर बंद हो जाए। या अल्लाह कहीं आबाद मस्जिदें फिर वीरान हो जाए। या अल्लाह ऐसे फैसलों से हिफाजत फरमा लेना, मस्जिदों को आबाद रखना। मेरे मालिक दिल लगता था इबादतों में, पिछला रमजान हमने गुजारा था, गुजार कर भी ऐसा लगता था कि तरावी नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ कर भी ऐसा लगता था कि नमाज नहीं पढ़ी। ए अल्लाह इस वक्त ए अल्लाह अब तक तो आपने खुली रखी है, आइंदा भी खुली रखना। ए अल्लाह आबाद रखना, हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमाना, बंद होने से बचा लेना। इलाहुल आलमीन बंद होने के फैसलों को वापस लेने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमें और हमारे हमारी कौम को इलाहुल आलमीन सही समझ अता फरमा। ए अल्लाह हुकूमत के कानून पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन बेकानूनी से हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमा, सुनने को बोलने को कबूल फरमा। अल्लाह कुरान की निस्बत पर ये मजमा बैठा है, कुरान की कुरान का सही ताल्लुक नसीब फरमा दे। अल्लाह कुरान का सही ताल्लुक नसीब फरमा दे, कुरान को जिंदगी में नूर बना दे, कुरान को कब्र में मुनिस बना देना। कल कयामत के दिन कुरान को हमारे लिए अल्लाह सिफारिशी बना देना। तेरे नबी ने खबर दी है कि कुरान कुछ लोगों के बारे में तुझसे झगड़ा करके जन्नत में दाखिल करवाएगा, अल्लाह हम सब का शुमार भी उनमें फरमा ले। इलाहुल आलमीन बीमारों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन की मगफिरत फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। फिर से रोजगार बंद हो गए, या अल्लाह वैसे ही रोजी में तंगी आती, मेरे मालिक तेरे फैसले पर राजी है, लेकिन मेरे मौला रोजगार को फिर से जारी फरमा दे। बेचारे लोग परेशान हो गए, या अल्लाह रोजी का देना भी तेरे कब्जे में है, लेना भी तेरे कब्जे में है, फिर लेकर देना भी तेरे कब्जे में है। मालिक दोबारा जारी फरमा दे, जल्द जल्द रोजगार के अल्लाह जारी होने के फैसले फरमा दे। अल्लाह जिनकी रोजियां तंग है उस हाथ वाली रोजी नसीब फरमा दे। ए मेरे मौला हर एक के हाल पर रहम फरमा दे, हर एक की जरूरतों को पूरा फरमा दे। मेरे मालिक माह मुबारक को आफियत के साथ गुजार देना, आफियत के साथ गुजार देना, एक एक मिनट की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो मांगा है अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपनी शाय निशान अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिन्होंने दुआ के लिए कहा या जो हमसे कहते रहते हैं उनकी जायज मुरादें पूरी फरमा दे। अल्लाह यहाँ मौजूद तेरे हर एक बंदे की जायज तमन्ना जायज मुरादें पूरी फरमा दे। बीमार हो तो शिफा दे दे,
परेशानियों में हो तो परेशानी को दूर फरमा दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर आपसे मांगी हम सब का हिस्सा नसीब फरमा दे। जिन शुरूर से पनाह चाहिए हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह टूटी फूटी दुआएं माज अपने फजल व करम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में कबूल फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सैयदिना मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहम।